नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एफ़ इज इक्वल टू आर बाई टू यानी फोकस दूरी और उसके रेडियस में क्या संबंध होता है, किसी खोखले गोले के जो दर्पण बनाए जाते हैं उसमें क्या संबंध होता है, थोड़ा सा मैंने आपको उसके विषय में बताया था। बट आज इस वीडियो में हम उसका प्रूफ देखेंगे अवतल दर्पण में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्तल दर्पण में इसी का प्रूफ दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र का भी जो है प्रूफ देखेंगे, 1/v = 1/v + 1/u = 1/f। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में जो भी 10 बजे से वीडियो आती है फिजिक्स की, इसमें हम तो ये चीज़ सीखेंगे। ये जो हम काम कर रहे हैं, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी NCERT के किताब के अनुसार हैं, और एग्ज़ामिनेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जितने भी आपको NCERT के एग्जाम्पलर में क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से सेट किया जाता है। तो क्यों ना हम NCERT को ही कंप्लीट पढ़ लें, ताकि कहीं से कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, और आने वाले वीडियोस में मैं इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर के साथ वीडियोस लेकर के आऊँगा, जो कि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होगा, आप सभी को समझ में भी आएगा और बड़े ही आसानी से और आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं आज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता कैसे है, इसके पीछे कौन कौन से प्रूफ हैं। इसके लिए देखते रहिए आज की शर्मा जी एजुकेशन की ये वीडियो। तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं और अभी हम जानेंगे कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू को कैसे प्रूव किया जाता है। एग्जामिनेशन में ये सत्यापित करने के लिए हमेशा आता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसके दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर एक कहता है कि आप अवतल दर्पण में इसको प्रूव करिए। अवतल दर्पण बोले तो कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर में आप प्रूव कीजिए। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो केस है, वो है उत्तल दर्पण को लेकर के, कि हम उत्तल दर्पण में कैसे इसको प्रूफ करेंगे, यानी कन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें कैसे करेंगे, ठीक ना। तो हम जानेंगे F क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि F क्या है। F है हमारा फोकल लेंथ, अंग्रेजी में इसे फोकल लेंथ, हिंदी में कहे तो फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आर जो है वो रेडियस होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस है। तो ये कह क्या रहा है, ये रिलेशन क्या बता रहा है, जो फोकस दूरी जो होती है ना दोस्तों, वह रेडियस की आधी होती है, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक रेडियस है, मान लीजिए CP एक रेडियस है, तो बीच में एक F आया, तो F जो है यानी FP जो है ये आधा होगा CF के, ठीक ना। FP जो होगा वो कितना होगा, आधा होगा CP/2 कर देंगे तो हमको FP का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक ना। तो आइए सीखते हैं, जानते हैं, प्रूव कर लेते हैं। पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था कि आखिरकार ये F इज इक्वल टू आर बाई टू क्या होते हैं, और हमने आपको दर्पण सूत्र के बारे में बताया था। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम दर्पण सूत्र को भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हम अभी आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ हम लोग प्रूफ करेंगे कि बेसिकली होते क्या हैं। यहाँ हम लोग कनकेव मिरर में प्रूफ करेंगे, ठीक है, कनकेव मिरर में प्रूफ करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये कनकेव मिरर का डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि AB क्या है, एक आपतित किरण है, एक इंसिडेंट रे है, जो कि F से होकर के परावर्तित हो जाती है। F क्या है यहाँ पर, फोकस, ठीक है, F फोकस है। C जो है, हमने एक C से इस पॉइंट B पर एक लंबवत डाला हुआ है। C से जाहिर सी बात है कि अगर मुख्य फोकस से ना कोई भी रेखा गुजरेगी तो C एक ऐसा पॉइंट है जहां से इस पॉइंट पर अगर हम इसको यहाँ पर लाइन खींचे तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, जो कि लंबवत होगी। 90 नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कि ये इस दोनों के लंबवत होगी। इसीलिए सी से गुजरने वाली जितनी भी किरणें होती है वो सी से ही पास हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह दो भागों में विभाजित करता है, एंगल आई और एंगल आर। अब इस स्थिति में हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो और तीसरी कोई लाइन
क्या करें, इसको इंटरसेक्ट करें, तो ये एक ये एंगल ऊपर वाला और नीचे का ये एंगल आपस में बराबर हो जाता है। वह नियम कहलाता है एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल। ठीक ना, अब एकांतर कोण से ये तो बराबर हो गया, ये और ये पहले से बराबर है। हम जानते हैं कि इसमें जो एंगल आई है वो क्या है, एंगल आई बराबर है एंगल आर के। ठीक ना, अब एंगल आई एंगल आर के बराबर तो है, लेकिन इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ का भी जो एंगल यानी कि बी सी एफ जो एंगल है वो भी बराबर हो गया है। अब इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि हमें एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज है हमारा सी बी एफ, सी बी एफ। इसमें आप देख सकते हैं कि दो एंगल आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब दो एंगल आपस में बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। इस स्थिति में ये समद्विबाहु त्रिभुज का रूप लेगा, जिसे हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब इस स्थिति में सी एफ जितना होगा उतना ही एफ बी होगा, यानी सी एफ जितना होगा उतना ही हमारा एफ बी होगा स्टार्टिंग में ही। चलिए एक और चीज आपको बताते हैं कि हम जो यहाँ पे जो अवतल दर्पण लिए हैं ना, ये अवतल दर्पण काफी छोटा है, यानी कि ये जो इंसिडेंट हो रही है ये ए बी लाइन, यह पी यानी पोल से काफी नजदीक है, यूं कहें तो इससे सटा हुआ ही है। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन ये काफी छोटा है। इसका जो द्वारक है एम एन, मान ली हमने नाम दे दिया दर्पण का एम एन, तो इसका जो द्वारक है ना ये काफी छोटा है, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट पी है वो बहुत ही करीब है माइनर में। ठीक ना, तो इस हिसाब से आप जो सी एफ होगा यानी ये सी एफ होगा ये एफ बी के, यानी एफ बी जो हमारा बराबर है ये पी पॉइंट से सटे होने के कारण एफ पी पॉइंट भी बराबर हो जाएगा, यानी सी एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। पी एफ ये देख सकते हैं आप, पी एफ। ठीक है, और ये हो गया हमारा सी एफ। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो सी पी है अगर इसको हम दो भागों में बांटेंगे तो हमें एफ पी मिल जाएगा, यानी पी एफ इज इक्वल टू 1/2 PC। और सी पी जो है, सी पी यानी कि इस पॉइंट से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग आर के नाम से जानते हैं। तो हमने लिख दिया है कि पी सी इज इक्वल टू आर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट एफ से लेकर के पॉइंट पी के जो बीच की दूरी होगी ये कहलाएगी छोटा वाला एफ, जिसे हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, यानी कि एफ पी इज इक्वल टू छोटा वाला एफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पी एफ कहिए या फिर इसको एफ पी कहिए, ठीक ना, इन दोनों स्थितियों में सेम है, पी एफ इज इक्वल टू छोटा वाला एफ और पी सी इज इक्वल टू आर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन आया हुआ है ये हमें सत्यापित करता है कि एफ इज इक्वल टू आर बाय टू को। और इसी चीज को आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना होगा एग्जाम में, कि माना कि ये जो दर्पण एम एन है, एम एन का जो द्वारक है वो काफी छोटा है और हम एक मुख्य अक्ष से समानांतर एक रेखा खींचते हैं जो कि एक इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, जो कि फोकस आर से होकर जाती है। इसे बस थोड़ा सा लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, बाकी इन चीज़ों को लिख देना है और उसके बाद हो गया, ये प्रूफ हो गया कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बड़े ही आसानी से सीख पाए होंगे, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण में, तो हम कैसे आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है उत्तल दर्पण के बारे में आपको बताऊंगा कि उत्तल दर्पण में कैसे इसको प्रूफ करना होता है। कभी कभी दोस्तों होता ये है ना कि क्वेश्चन पूछ देता है कि अवतल दर्पण में बनाइए, कनकेव कनकेव मिरर में बनाइए प्रूफ कीजिए, या फिर कन्वेक्स मिरर में आप प्रूफ कीजिए। अगर ये नहीं लिखे ना कि किसी भी आप किसी दोनों में से किसी एक का बना सकते हैं, तो आप अवतल दर्पण का बनाइएगा, काफ़ी आसान होता है चीज़ों को समझना। और ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा सा कठिन है, उसमें भी सेम चीज़ें होंगी, बट मैं आपको थोड़ी सी उसमें जो जो खेल है ना वो प्रूफ करने का वो मैं आपको बता दूंगा कैसा है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला का भी हम लोग प्रूफ देखेंगे। और बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि शाम के 7 PM में आप सभी लोगों का बायोलॉजी बायोलॉजी हिस्सा क्लास 10th का
वीडियोस डालना स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग नहीं देखते हैं, बायोलॉजी का रिवीजन कॉन्सेप्ट NCERT के थ्रू चल रहा है, ज़रूर से जाकर के देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा शर्मा जी एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों 7 बजे से जो है आप सभी के बायोलॉजी वाला सेक्शन का वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं जाके ज़रूर से देखिएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे जैसे वीडियोस आएंगे आपको प्लेलिस्ट में ऐड होता हुआ दिख जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और दूसरे को भी शेयर करना है ताकि उनको भी NCERT का ऐसा कंसेप्ट वीडियो मिलता रहे। अभी आपको रिवीजन पे फोकस नहीं करना है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखते रहिए। जब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए हमारे पास अभी 2 महीने का वक्त है, 2 महीने का वक्त काफ़ी होता है। हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे और जैसे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो रिवीजन करने में मज़ा आएगा और जल्दी रिवीजन हो पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी सीरीज में लेकर के आऊँगा। बस आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखिएगा। दोस्तों 7 बजे वाली वीडियो ज़रूर से देखिएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आएगी और इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियोज़ आएगी। तो स्टे ट्यून रहिए शर्मा जी एजुकेशन पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।